मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो प्यारे बच्चों? तैयारी अच्छी चल रही होगी आई थिंक। बहुत अच्छे से सारे टॉपिक्स आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे और आपके क्वेश्चन सॉल्व हो भी रहे होंगे। बहुत जल्द हम लोग पूरी की पूरी सीरीज एक साथ बैठ के सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि अब हमारा ये कोर्स कंप्लीट ही होने वाला है। थोड़े और कुछ टॉपिक्स पड़े बचे हुए, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स, यानी अभी तक आपने जो एसेंट ऑफ सैप पढ़ा है ना, जो एसेंट ऑफ सैप पढ़ा है उसी का एक नेक्स्ट स्टेप आप कह सकते हो। यहाँ पे सिंपली हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि मिनरल न्यूट्रिएंट कैसे अपटेक किया जाता है। वैसे ऑलरेडी आपने बहुत सारे क्या बोलते हैं कॉन्सेप्ट समझ लिए हैं, जिसमें ट्रांसपिरेशन पुल की थियोरी थी, कोहेशन एडहेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, सब कुछ। इसलिए ये बहुत आसान होने वाला है ये वाला हिस्सा आपके लिए, क्योंकि ऑलरेडी उसी से मिलता जुलता सा होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अपटेक एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। प्लांट्स ऑब्टेन देयर कार्बन एंड मोस्ट ऑफ देयर ऑक्सीजन फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोस्फेयर, ठीक है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन के रिक्वायरमेंट कार्बन डाइऑक्साइड से पूरी कर लेते हैं प्लांट्स, लेकिन बाकी जो बचे हुए न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि मिनरल वाटर वगैरह, इसको सॉइल से लेना पड़ता है। कहां से लेना होगा? सॉइल से। तो जाहिर सी बात है कि जब सॉइल से लेना होगा तो यहाँ पे रूट का फंक्शन होगा। रूट का फंक्शन होगा मतलब रूट हेयर्स की जरूरत पड़ेगी, रूट हेयर्स होंगे, यहाँ पे सेल होगा तो ऑस्मोसिस होगा। तो इसीलिए आप इसको इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। समझ में आ रहा ना बेटा? ओके, अपटेक ऑफ मिनरल आयंस, किस तरह से अपटेक किया जा सकता है। सो यहां पर देखिए, अनलाइक वाटर, मतलब वाटर से अलग है ये। कैसे अलग है? देखिए, ऑल मिनरल्स कैन नॉट बी पैसिवली एब्जॉर्ब बाय द रूट। इसका कहने का क्या मतलब है? तो पहली ही लाइन धमाकेदार है। कह रहा है कि जो वाटर है इसका जो रूट एब्जॉर्प्शन करते हैं वो पैसिव तरीके से करते हैं, बिना एनर्जी खर्च किए, क्योंकि वाटर अपने हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन की ओर बिल्कुल ऑस्मोसिस करते हुए जाता है और बिना किसी एनर्जी को खर्च किए। लेकिन मिनरल्स की जब बात आएगी, जब हम मिनरल्स की बात करेंगे, तो कुछ मिनरल ऑब्वियसली ऐसे होंगे जो वाटर की तरह ही हैं और आसानी से वाटर के साथ सिंपोर्ट हो जाएंगे, या पैसिव मूवमेंट करके ही अंदर की ओर एंटर कर जाएंगे, आराम से रूट के अंदर जाएंगे, फिर वहां से होते हुए वो जाइलम तक चले जाएंगे। लेकिन कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जिनको एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी बाहर से, यानी सॉइल से अंदर रूट सिस्टम में आने के लिए, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, जबकि वाटर में पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है बिना एनर्जी खर्च किए। तो मिनरल्स में दो तरह के मिनरल्स होंगे, एक ऐसे जो आसानी से मेम्ब्रेन को पार कर सकते हैं, इजीली फ्लो करते हुए जा सकते हैं बिना एटीपी खर्च किए, बिना एनर्जी खर्च किए, तो वो हो जाएंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट के मेथड से एंटर करने वाले मिनरल आयंस। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको एनर्जी खर्च करनी ही पड़ेगी, वो करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्या करेंगे बेटा? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर हो गया? ओके, टू फैक्टर्स अकाउंट फॉर दिस, यानी ये जो आप देख रहे हैं कि मिनरल और वाटर में डिफरेंस आ रहे हैं, तो क्या है, क्यों वजह? तो दो फैक्टर्स यहां पे हैं। मिनरल्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज्ड पार्टिकल्स, ठीक है ना, आयन के फॉर्म में रहता है, आयोनिक फॉर्म में रहते हैं, विच कैन नॉट मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। आपको पता है कि चार्ज्ड पार्टिकल्स को, यानी आयंस को, मेम्ब्रेन को पार करने में मुश्किल होगी, क्योंकि वहां पर बायोलिपिड लेयर जो होगी वो खुद भी हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक नेचर के होते हैं। तो चार्ज्ड पार्टिकल का मूव इस पार से उस पार कराने में मुश्किल करते हैं ये, है ना। दूसरा फैक्टर क्या हो सकता है? ये तो पहला फैक्टर हो गया कि चार्ज्ड हैं इसलिए मूव करने में दिक्कत हो सकती है। दूसरा, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स
इन द सॉइल इज यूजुअली लोअर, कम है देन द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट। तो रूट के अंदर हाई कंसंट्रेशन है और सॉइल में कम है। तो आपको पता है कि लो से हाई की ओर मूव करना मुश्किल काम है, इसी के लिए तो यहां पर क्या होगा, एनर्जी खर्च करना होगा। क्लियर हो गया? जबकि सिंपली अगर हाई से लो की ओर मूव करना होता तो बिल्कुल आराम से मूवमेंट हो जाता, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो। मेरी बात एकदम समझ में आ गई और एनसीईआरटी की लाइन भी आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है? देयरफॉर, इसलिए मोस्ट मिनरल्स, अधिकतर मिनरल्स मस्ट एंटर द रूट बाय एक्टिव एब्जॉर्प्शन, यानी सक्रिय एब्जॉर्प्शन, एक्टिव एब्जॉर्प्शन के थ्रू ही ये अंदर जा पाते हैं इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ एपिडर्मल सेल्स, ठीक है ना? यानी कुल मिला के रूट के अंदर ये जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर मोस्ट ऑफ द टाइम एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी दिस नीड्स एनर्जी दैट इज एटीपी, यानी यहां पर हमें अपनी ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी, एटीपी को यूज करना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो प्लांट्स एटीपी खर्च करेंगे तभी ऐसे मिनरल्स को रूट सिस्टम के अंदर ले जा पाएंगे। द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स, एंड देयरफॉर द अपटेक ऑफ वाटर बाई ऑस्मोसिस, ठीक है ना? तो एक्टिव अपटेक की वजह से क्या होगा कि ऑस्मोसिस की प्रोसेस भी होती है। समझ में आ रहा है ना? तो अब आप कहेंगे सर ये क्या है, ऑस्मोसिस की वजह से होती है, ठीक है, अभी मैं समझाता हूं। ये लास्ट लाइन पढ़ लेते हैं। सम आयंस ऑल्सो मूव इनटू द एपिडर्मल सेल पैसिवली। कुल कुल मिला के कहने का मतलब, जो पैसिवली तो तब करेंगे जब ये हाई कंसंट्रेशन से लो की ओर जा रहे होंगे और आसानी से इनको मेम्ब्रेन जाने देगी, तो पैसिव भी हो सकता है बिना एटीपी खर्च किए भी, बट मैक्सिमम टाइम में एटीपी खर्च होगा। अब ऐसा भी हो सकता है कि जब एटीपी खर्च हो, है ना, जब आप देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि ये एक रूट सिस्टम है, ठीक है? तो ये एक रूट है, मान लीजिए कि रूट सिस्टम है। अब यहां अगल बगल कुछ सॉइल के पार्टिकल्स भी होंगे, ठीक है? तो चलिए सॉइल पार्टिकल्स बना लेते हैं, जमीन के अंदर हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आ जाएगा। तो कुछ सॉइल पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और इनके बीच में मिनरल्स एंड वाटर हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा। अब इनके बीच बीच में कुछ मिनरल्स हैं, ये हो गए आपके कुछ मिनरल्स, लेकिन जरा ध्यान से समझिए, यहां रूट के अंदर मिनरल ऑलरेडी जो सेल्स होंगी उसमें हाई कंसंट्रेशन में है, तो आप देख पा रहे हो कि ऑलरेडी जो ब्लू कलर है वो हाई कंसंट्रेशन में है। अब वाटर को भी किसी और कलर से बना लेते हैं तो याद रहेगा, है ना? अब मान लीजिए कि ये वाटर है, ठीक है, तो ये ग्रीन कलर जो है ये वाटर है। ओके बेटा, ठीक। अब देखिए कह रहा है कि जब मिनरल्स, ये जो ब्लू कलर है ये क्या है, मिनरल्स हैं, तो कह रहा है कि जब मिनरल्स अंदर की ओर मूव करेंगे, फिर से समझिए, जब मिनरल्स अंदर की ओर मूव करेंगे तो ये तो सच है कि इनको यहां पर क्या होगा कि एटीपी खर्च करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर की कंसंट्रेशन क्या है, हाई है, और बाहर लो कंसंट्रेशन में है मिनरल्स। लेकिन जब ये एटीपी खर्च करके अंदर जाएंगे, मान लीजिए एटीपी खर्च किया और ये बाहर से अंदर चले गए, तो ये अंदर जाएंगे तो क्या होगा, और भी इनका कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा और ये बाहर से ये कम हो जाएंगे। यही तो होगा कि अब ये बाहर से इनकी लॉस हो जाएगी, मतलब बाहर ये कम हो गए, कुल मिला के अंदर चले गए।
अब जरा ध्यान से समझिए कि अब यहां पे कंसंट्रेशन किसकी बढ़ गई, सॉल्यूट की, भाई मिनरल्स, मिनरल्स की बढ़ रही है। मतलब ये क्या है, सॉल्यूट यानी सॉल्वेंट यानी वाटर क्या हो गया, कंपैरेटिवली कम हो गया, समझ में आ रहा है। लेकिन बाहर जो है, ठीक, ग्रीन मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर हैं, इनका कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली ज्यादा हो गया है ना। तो जब ये ज्यादा हो गए तो क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करना ये शुरू कर देंगे। तो ये सिंपली ऑस्मोसिस करेंगे और ऑस्मोसिस करके ये अंदर की ओर चले जाएंगे। सिंपली क्या करेंगे, ये ऑस्मोसिस करेंगे और ऑस्मोसिस करके फिर ये अंदर की ओर चले जाएंगे। तो जब आयंस का इंटेक होगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मिनरल्स का कंसंट्रेशन अंदर बढ़ेगा, उसकी वजह से अंदर वाटर का कंसंट्रेशन थोड़ा सा कम होगा कंपेरेटिवली आउटसाइड। तो सॉइल में क्या होगा कि बाहर में जो वाटर है वो वाटर अंदर की ओर आराम से पैसिव मूवमेंट करेगा थ्रू द ऑस्मोसिस, और इस तरह से वाटर भी मूव करेगा। यानी मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ, मिनरल एब्जॉर्प्शन के साथ साथ वाटर भी मूव करता है। एकदम क्लियर हो गया ना, वही लाइंस यहां पे लिखी हुई थी बच्चों जो आप पढ़ रहे थे। देयरफॉर अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयन इज पार्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट। यही है वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट का मतलब, कि आसानी से वहां पर क्या होगा कि वाटर की डिफिशियंसी कॉज हो जाएगी, पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगा और वाटर फिर बाहर से अंदर की ओर मूव करना शुरू कर देगा। समझ में आ गया सबको, ठीक है। अब यहां पर क्या है बेटा, यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो रूट में सेम चीज जो अभी हमने कहानी सुनाई, हम लोगों ने जो कहानी समझी आपस में, बिल्कुल वही। अब ये एक प्लांट है, नीचे ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। अब इसको एनलार्ज करके यहां पे दिखाया जा रहा है कि ये देखो भाई, ये रूट हैं, यहां पे रूट के हेयर्स हैं, एपिडर्मल रूट हेयर्स हैं, एपिडर्मल रूट हेयर्स नहीं, ये रूट कैप है, ये मेरिस्टमैटिक रीजन है रूट का, ठीक है। अब ये जो रूट हेयर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक, यहाँ पे सॉइल पार्टिकल्स हैं, सॉइल पार्टिकल्स के बीच बीच में वाटर भी हैं और मिनरल्स भी हैं। रूट हेयर को थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे बना दिया, ये बड़ा सा रूट हेयर आप नीचे देख पा रहे हो, है ना। ओके, अब इस रूट हेयर पे आप देख पा रहे हो कि मेम्ब्रेन पे बहुत सारे चैनल्स, प्रोटीन चैनल्स हैं, जिससे प्रोटॉन बाहर भी जाते हैं, प्रोटॉन अंदर भी आते हैं, साथ में वाटर भी ऑस्मोसिस कर रहा है, अमोनिया है वो भी अंदर आ रहा है, यानी मिनरल्स वगैरह भी आ रहे हैं, पोटेशियम है वो भी अंदर आ रहा है। तो इस तरह से बहुत सारे मिनरल्स, सॉल्ट्स इस तरह से एंटर करते हैं जो प्लांट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से अपटेक होता है मिनरल्स का, है ना। सेम प्रोसीजर जो अभी आपने पीछे देखा, इसी तरह से अपटेक होता है मिनरल्स का, साथ में वाटर भी अंदर जाता है क्योंकि वो वाटर का पोटेंशियल ग्रेडियंट डेवलप कर देता है। ओके बच्चों, नाउ आयंस आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द सॉइल बाय बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगी आपको, आसानी से समझ में आ रहा होगा कि बिल्कुल भाई, एक्टिव और पैसिव दोनों ही तरीके से होंगे। अब उसके लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स, स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस, मतलब कि एटीपी खर्च करके, एक्टिवली मतलब एटीपी, लेकिन वो कहां पर होंगे, कुछ स्पेशल प्रोटीन्स जो कि चैनल या गेट का काम करते हैं, ठीक है। सो स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द मेम्ब्रेन रूट हेयर सेल्स एक्टिवली पंप आयंस फ्रॉम सॉइल इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। तो पीछे जो फिगर आप देख रहे थे बेटा, इसी की बात हो रही है। यहाँ पे आप देख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स बने हुए हैं जो एक्टिवली, यानी एटीपी खर्च हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, एटीपी खर्च करके आयंस को ये अंदर ले जा रहे हैं और उसी तरह से फिर वाटर भी इनके साथ में मूव कर जा रहा है। मेरे ख्याल से आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझ में आ गया, याद रखना, नोट कर लेना, इसीलिए मैंने इस लाइन को येलो कर दिया है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, तो इसको नोट कर लेना। लाइक ऑल सेल्स द एपिडर्मल सेल्स हैव मेनी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। अब ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स बार बार कह रहा है, इसका मतलब क्या कि ये कैरियर्स हो सकते हैं, चैनल हो सकते हैं, ठीक है। मतलब कैरियर और चैनल, मतलब प्रोटीन के कैरियर, प्रोटीन चैनल जो मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं,
और ये कैसे होंगे, ये एटीपी ड्रिवन होंगे, मतलब एटीपी बिना एनर्जी के नहीं ओपन होंगे, ठीक है, तो एनर्जी से चलने वाले होंगे, एटीपी से चलने वाले होंगे। ओके, मेनी प्रोटीन एम्बेडेड इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे लेट सम सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन बट नॉट अदर्स। तो कुछ को तो जाने देंगे, कुछ को नहीं जाने देंगे, जो उनकी क्राइटेरिया को सूट करेंगे कि हाँ ये वाला जा सकता है, जैसे ए बी आयन को जाने दे सकता है लेकिन सी के साथ उसकी दोस्ती नहीं है तो सी को स्टॉप कर देगा, कुछ इसी तरह। तो सेलेक्टिव नेचर के होंगे, बिल्कुल सेलेक्टिव होंगे, यहां तक कि एटीपी खर्च करके भी कुछ को ही जाने देंगे, है ना। पैसिव तो ठीक है, एक्टिव में भी कुछ को ही जाने देंगे, तो ये एकदम सेलेक्टेड होता है फंक्शन। इसलिए हर एक आयन के लिए अपना अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है ना। मैक्सिमम जो आयन्स होते हैं सबके लिए अपना अपना ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होता है। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स आर कंट्रोल पॉइंट्स, क्योंकि ये कंट्रोल करेंगे कौन आएगा कौन जाएगा, सो दे आर कंट्रोल पॉइंट्स वेयर अ प्लांट एडजस्ट द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ द सॉल्यूट दैट रीच जाइलम। तो आपने इस लाइन को भी नोट कर लिया होगा, और इसमें एक जो मतलब स्पेशल पॉइंट है कि कंट्रोल पॉइंट्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन क्या होते हैं, कंट्रोल पॉइंट्स। तो ये नीट का सवाल बनाया जा सकता है, खैर अभी बना नहीं है लेकिन मान लीजिए बन भी सकता है, दैट इन एपिडर्मल सेल्स विच प्रोटीन्स आर नोन एज कंट्रोल पॉइंट्स। तो आपको पता होना चाहिए, आपका आंसर होगा ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स। समझ में आ गया ना बेटा, गुड, वेरी गुड, बहुत आसान है ये, बहुत सिंपल लेक्चर है। नोट दैट द रूट एंडोडर्मिस बिकॉज ऑफ द लेयर ऑफ सुवेरिन हैज द एबिलिटी टू एक्टिवली ट्रांसपोर्ट आयंस इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है ना। तो सुवेरिन की वजह से सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट होता है, और इसीलिए जाइलम का डायरेक्शन, जो जाइलम का मूवमेंट होता है उसका डायरेक्शन की बात करें तो यूनि डायरेक्शनल होगा, यूनि डायरेक्शनल होगा, ये कंफर्म है 100%, इसे नोट कर लीजिएगा। एक एक चीज आपको समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। अब इसी में आगे बढ़ते हैं, ट्रांसलोकेशन कैसे होगा। एब्जॉर्प्शन तो हो गया यानी मिट्टी से तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब रूट में आ गया, जाइलम में पहुंच गया, अब वहां से डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में जाएगा कैसे, इसी को कहते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस, ठीक है। हेडिंग डाल लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर द आयंस हैव रीच्ड जाइलम थ्रू एक्टिव और पैसिव अपटेक, ठीक है, जाइलम में पहुंच गया है आयन, चाहे वो एक्टिव तरीके से पहुंचा चाहे पैसिव, उसके बाद अ कॉम्बिनेशन ऑफ द टू, मतलब चाहे एक्टिव और पैसिव दोनों तरीके, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगा, दोनों तरीकों का यूज करके मिनरल आयन पहुंचाओ, या सिर्फ एक्टिव या सिर्फ पैसिव। तो अकेले अकेले भी हो सकता है, या हो सकता है कि दोनों, थोड़ी दूर तक एक्टिव करना पड़ा हो उसके बाद पैसिव हो गया हो, ठीक है। दे आर फर्दर ट्रांसपोर्ट, यानी अब आयन का आगे का ट्रांसपोर्ट अप द स्टेम, पूरे स्टेम में और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ऑल अराउंड द प्लांट कैसे होगा, इट इज थ्रू द ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम। अब वो जो ट्रांसपायरेशन पीछे आप पढ़ रहे थे पिछले लेक्चर्स में, अब उसी के साथ ये फ्लो करेंगे, जहां जहां वाटर की कॉलम बनती चली जाएगी उसी के साथ साथ ये भी चलते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे, बहती हवा सा था, है ना बेटा, उसी के साथ साथ। ओके, द चीफ श्रिंक, श्रिंक मतलब यहां पर इकट्ठा होगा, जहां जिस सेल के अंदर ये मिनरल्स एक साथ इकट्ठे होंगे, है ना, जिस एरिया में एग्रीगेट होंगे उसको श्रिंक कहेंगे। श्रिंक को हिंदी में क्या कहते हैं, हौदा, है ना, जिसमें गाय भैंसे एक साथ पानी पीती हैं, नाद, हौदा, है ना, ड्रम, ऐसा कुछ स्टोरेज वाला हिस्सा, उसी को चीफ श्रिंक कहते हैं यहां पर। सो द चीफ श्रिंक फॉर द मिनरल एलिमेंट्स आर द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट,
जैसे मेरिस्टमेटिक वाले हिस्से होते हैं, जहां पे लगातार डिवीजन होता है। ग्रोइंग का मतलब जहां डिवीजन लगातार हो रहा हो, और जहां डिवीजन होता है वहां पर मेरिस्टमेटिक सेल होती है, वहां पर मेरिस्टमेटिक सेल होती है। तो उस पूरे एरिया को, रीजन को मेरिस्टमेटिक रीजन कहते हैं, ठीक है। सच एज एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टम, यंग लीव्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स, सीड्स एंड अदर स्टोरेज ऑर्गन्स। तो श्रिंक का काम कौन कर रहे हैं, आप देख लीजिए। समझ में आ गया? ओके, नाउ अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अनलोडिंग ऑफ मिनरल आयन्स अकर एट द फाइन वेन एंडिंग थ्रू डिफ्यूजन और एक्टिव अपटेक ऑफ दी सेल्स। यानी यहां पर फिर समझिएगा, मिनरल्स को जहां पहुंचना था पहुंच गए, ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के रास्ते पहुंच तो गए, लेकिन अब उसका फाइनल अनलोडिंग होना है। यानी उसको अब उस सेल में पहुंचाना जहां उसका फाइनली यूज होगा। तो वो अंदर कैसे जाएंगे? या तो वो डिफ्यूजन करेंगे तो पैसिव तरीके से जाएंगे, या वापस फिर से वहां पर एटीपी खर्च होगी और वो जाएंगे एक्टिव अपटेक के थ्रू एनर्जी खर्च करके। तो ट्रांसलोकेशन में आपने देखा कि एब्जॉर्प्शन में तो एटीपी खर्च हो ही रही है, इसका अनलोडिंग करने में जहां पहुंच गया है वहां पे सेल के अंदर जाने में भी इसको एनर्जी खर्च करनी पड़ सकती है। ओके, मिनरल आयन्स आर फ्रिक्वेंटली रीमोबलाइज्ड। मतलब कि ऐसा नहीं कि एक सेल में पहुंच गया, उसके बाद एक श्रिंक में पहुंच गए, उसके बाद उनको कहीं नहीं जाना, अगल बगल ही यूज होगा। नहीं, वो फिर से कहीं ना कहीं दोबारा जा सकते हैं जहां उनकी जरूरत हो। सो दे आर फ्रिक्वेंटली रीमोबलाइज्ड। रीमोबलाइज्ड का मतलब होता है फिर से जा सकते हैं, एक जगह पहुंचे फिर वहां से दूसरी जगह जा सकते हैं, दूसरी जगह का फिर वहां से तीसरी। सो ये रीमोबलाइज्ड होते ही रहते हैं, पर्टिकुलरली फ्रॉम ओल्डर सेनेसिटिंग पार्ट। सेनेसिंग पार्ट का मतलब जो मरने वाले होते हैं, सेनेसेंस का मतलब डेथ होने वाली, जिसके तो जो मरने वाले होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, पत्तियां टूट के जहां गिरने लगती हैं। समझ में आ रहा ना बहुत अच्छे से? सो पर्टिकुलरली फ्रॉम द ओल्डर और सेनेसिंग पार्ट, ओल्डर डाइंग लीव्स एक्सपोर्ट मच ऑफ देयर मिनरल कंटेंट्स टू द यंगर लीव्स। मतलब कि अपना ज्ञान अपने शिष्य को देकर मरेंगे गुरुजी, है ना। ओल्डर लीव्स, जैसे दादाजी हो गए, उन्होंने हमारे फादर को कुछ ज्ञान दिया होगा, फादर मरेंगे हमें ज्ञान देके मरेंगे। तो ये एक परंपरा चलती आ रही है, और ये प्लांट्स भी बहुत अच्छे से अपना फॉलो कर रहे हैं, निभा रहे हैं इस परंपरा को। मजाक कर रहा था, ये समझाने के लिए था, ठीक है। मतलब कुल मिला के आप देख पा रहे हो कि प्लांट्स बहुत ऑर्गेनाइज हैं। अब भाई ओल्डर पार्ट है, वैसे भी इसकी डेथ हो जाएगी, गिर जाएगा, यूज कर नहीं पाएगा, ये क्या करेंगे, पहले ही शिफ्ट कर देंगे अपने मिनरल्स को यंगर पार्ट पे, कि लो भाई हमारा मिनरल तुम रख लो, इसका यूज करो, हम तो चले परमात्मा में लीन होने। ठीक, ये समझ में आ गया? ओके, गुड। सिमिलरली बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस प्लांट्स, मिनरल्स आर रिमूव टू अदर पार्ट्स, है ना। जो पर्णपाती वन है जहां पत्ते हमेशा गिर जाते हैं, ठीक, तो वहां पे जब पत्तियां गिरने वाली है तो उसके पहले ही क्या किया जाता है, उसके पहले प्लांट्स क्या करते हैं, तो अपने इंटेलिजेंस का पूरा यूज करते हुए और अपनी परंपरा का पूरा यूज करते हुए क्या करते हैं, ये कि ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट की ओर मूव कर देते हैं, या ऐसी जगह मूव करते हैं जहां इसको स्टोर किया जा सके। एक बड़े से शिंक में ट्रांसफर कर दो, बाद में इसका फिर से यूज कर लिया जाएगा। तो इस तरह से ये मूवमेंट चलता ही रहता है। ओके, एलिमेंट्स मोस्ट रेडली मोबिलाइज्ड, वो एलिमेंट जो सबसे ज्यादा मोबिलाइज्ड होते हैं उनमें कौन कौन से हैं भाई? फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन एंड पोटेशियम। प्लीज नोट कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब सीरियसली इंपॉर्टेंट है ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है।
याद कर लिया, लिख लिया सबने, नोट कर लिया, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, पोटेशियम, ये आपको याद रखना पड़ेगा। नाउ सम एलिमेंट्स दैट आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, जो कि पत्तियों के स्ट्रक्चर बनाने में यूज होते हैं, लाइक कैल्सियम, आर नॉट रीमोबलाइज्ड। तो कैल्सियम जैसे कुछ पत्ते, कुछ क्या कहते हैं मिनरल्स होते हैं, वो नॉर्मली मोबिलाइज नहीं होते हैं। तो इसको भी नोट करिए, जहां नॉट शब्द लग जाए ना तो नीट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको भी जरूर नोट करिए। तो कौन जा सकते हैं, किसकी मोबिलाइजेशन होती है, रीमोबिलाइजेशन होती है, और किसकी कम होती है या नहीं होती है, याद कर लीजिएगा, ये नोट कर लो बेटा। कर लिया सबने? ओके गुड। अब एक छोटी सी एनालिसिस करते हैं, उसके बाद आज का लेक्चर फिनिश करते हैं। एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट्स, एक्सुडेट्स का मतलब जो उसमें से रस निकलता है ना, जाइलम से जो बाहर निकलने वाला रस है, जिसमें पानी होगा, मिनरल्स होंगे, जिसको कि सैप कहा जाता है, उसी को यहां पर एक्सुडेट, एक्सुडेट कब होगा, जब जाइलम को कट करके उसमें से निकाला जाए तो एक्सुडेट होगा। ओके, एन एनालिसिस ऑफ जाइलम एक्सुडेट्स shows that though some of the nitrogen travel as inorganic ion, much of it is carried in organic form as amino acid and related compounds। मतलब जाइलम का अगर सैप आप चेक करें, एक्सुडेट चेक करें, अब नाइट्रोजन कंपाउंड यदि चेक करना चाहें कि किस फॉर्म में है, तो थोड़ा अमाउंट नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में होगा, लेकिन ज्यादा अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट, लार्ज अमाउंट किस फॉर्म में होगा, ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, स्पेशली एमिनो एसिड के फॉर्म में या रिलेटेड कंपाउंड्स के फॉर्म में। समझ में आ गया? सिमिलरली स्मॉल अमाउंट ऑफ फास्फोरस एंड सल्फर आर कैरिड इन ऑर्गेनिक एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो ये सब एक एक लाइन में क्यों रीड कर रहा हूं, क्यों इस पे फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये एक एक लाइन एक एक क्वेश्चन है आपका, आया हो या ना आया हो, कभी भी आपसे घुमा फिरा के ये पूछ सकता है कि कौन स्मॉल अमाउंट में था, कौन हैवी अमाउंट में था, किस फॉर्म में स्मॉल अमाउंट में था, किस फॉर्म में हैवी अमाउंट में था, तो आपके क्वेश्चन ऑलरेडी फंसाने वाले हो जाएंगे, आप फंस जाएंगे। समझ में आ गया ना? यानी फॉस्फोरस सल्फर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं, बट स्मॉल अमाउंट में, लेकिन नाइट्रोजन क्या होता है, लार्ज अमाउंट में, ऑर्गेनिक फॉर्म में, मच ऑफ इट मतलब लार्ज अमाउंट में ऑर्गेनिक फॉर्म में ट्रांसफर होता है नाइट्रोजन, और वो भी किस फॉर्म में, ज्यादा से ज्यादा एमिनो एसिड या इसी से रिलेटेड कंपाउंड्स के फॉर्म में। समझ में आ गया? इन एडिशन स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स डस्ट टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोयम। बिना इसके मूवमेंट ही नहीं होगा यार, है ना? अगर आप सोचिए कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में कोई आदान प्रदान नहीं होगा, नहीं, इम्पॉसिबल टाइप का चीज हो जाएगा। इसके बिना ना फ्लोएम का ठीक से मूवमेंट हो पाएगा, ना जाइलम का, होता ही है। ठीक है, मान लीजिए एक बार जाइलम का हो भी जाए ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से, फ्लोएम का तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से समझ में आ रहा है, वैसे एक दूसरे पर डिपेंड नहीं है, थोड़े बहुत है ना, खासकर फ्लोएम थोड़ा ज्यादा डिपेंड हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी वाटर की जरूरत पड़ जाती है मूवमेंट कराने के लिए, है ना। हेंस इट इज नोट दैट वी कैन क्लियरली मेक अ डिस्टिंक्शन एंड से कैटेगरिकली, ये नॉट की जगह नोट कर लीजिएगा, पता नहीं क्या है, कभी कभी मिस्टेक हो जाती है ना। कैटेगरिकली दैट जाइलम ट्रांसपोर्ट्स ओनली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स व्हाइल फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स ओनली ऑर्गेनिक क्या होते हैं मटेरियल्स एज वॉज ट्रेडिशनली बिलीव्ड। कहने का मतलब ये नॉट नहीं होगा, मेरे ख्याल से नोट ही होगा, है ना। एनसीईआरटी की लैंग्वेज भी बड़ी कठिन है भाई। इसका कहने का मतलब है, ये जो लाइन है इसका कहने का मतलब है कि ये मान लीजिए, ये याद रखिएगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जाइलम सिर्फ और सिर्फ इन ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट करेगा। नो, ये ऑर्गेनिक ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है और करता है, जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हो,
नाइट्रोजन के ऑर्गेनिक फॉर्म्स का भी ट्रांसपोर्ट कर रहा है। इसी तरह से पहले यह माना जाता था कि फ्लोएम जो है वो केवल ऑर्गेनिक मटेरियल का ट्रांसपोर्ट करते हैं, तो कह रहा है कि ऐसा याद रखना, ऐसा नहीं है कि केवल ऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करेगा, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल को भी ट्रांसपोर्ट कर सकता है और करता है। तो ट्रेडिशनल बिलीफ ये था कि जाइलम केवल इनऑर्गेनिक मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है और फ्लोएम केवल ऑर्गेनिक को करता है, जबकि रिसर्च और एक्सपेरिमेंट के बाद हमें पता चला कि जाइलम इनऑर्गेनिक फॉर्म्स को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है प्लस ऑर्गेनिक को भी ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह से फ्लोएम ऑर्गेनिक को तो ट्रांसपोर्ट करता ही है, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक का भी ट्रांसपोर्ट कर देता है। समझ में आ गया एकदम बढ़िया से? ओके, तो फिर मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। और बच्चों, जिसने भी द कोशिका ऐप को डाउनलोड नहीं किया है वो जल्दी से जल्दी इस ऐप को डाउनलोड करें, या इसे स्कैन करके भी आप डायरेक्टली आ सकते हैं, और जल्दी से जल्दी आप कोर्सेज को परचेस करिए। ये पेमेंट लिंक है, या आपको कोर्स में ही पेमेंट लिंक मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बेटा, सो मस्त होके पढ़िए। गॉड ब्लेस यू।